हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रीमा। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक लटकन बनाना बताऊंगी इस कपड़ों से। और ये जो मैंने गोल्डन कलर का कपड़ा लिया है, ये सूट में से यहाँ से मैच करके लिया है। तो इन दोनों को यूज करके मैं बहुत ही सुंदर सा लटकन बनाने वाली हूँ। इसके लिए मैंने 1 इंच चौड़ा इस तिरछी पट्टी कट किया है। तो ये मैंने 2 लटकन के लिए ये सारे पीसेज कट किए हैं। और ये जो चौकोर कपड़ा मैंने कट किया है, इसका लंबाई और चौड़ाई मैंने 2.5 इंच रखा है इस तरीके से। इसी प्रकार ये सारे जो कपड़े हैं, सबकी लंबाई और चौड़ाई मैंने 2.5 इंच रखा है। तो पहले मैं ये डोरी तैयार कर लेती हूँ। तो इसके लिए यहाँ किनारे पे हम सिलाई करेंगे ताकि पतला डोरी बने। तो इस पर मैं सिलाई चला लेती हूँ। तो यहाँ उतारते समय आप धागे को कट मत कीजिए। इस तरीके से धागे की लंबाई 7-8 इंच इस तरीके से लंबा करके आप यहाँ से काट लीजिए। और इसी धागे की मदद से हम इसे सीधा करेंगे। जब हम बाद में यहाँ पे ज्वाइंट करते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे मोटा हो जाता है और कभी कभी सीधा करते समय निकल भी जाता है। तो इस धागे का अगर आप यूज करते हैं तो बहुत ही आसानी से ये सीधा हो जाता है। अब इस सुई को इस तरीके से पीछे की तरफ से इस तरीके से हम इस डोरी के अंदर लेके जाएंगे और फिर यहाँ से खींचेंगे तो ये सीधा हो जाएगा। इसी में से ये मैंने 2 इंच कट किया है। अब इसमें दोनों में इस तरीके से हम लटकन बना देंगे। उसके बाद दोनों को इस तरीके से बराबर करके यहाँ पे ज्वाइंट कर दूंगी। ज्वाइंट करने के बाद ये जो गुलाबी कलर का है, यहाँ पे उल्टा करके ज्वाइंट करेंगे पीछे की तरफ से, ताकि पलटेंगे तो जो मैंने ज्वाइंट किया है वो ढक जाएगा। तो इस तरीके से ये कट गया है। अब ये जो मैंने कपड़ा लिया है, इसको इस तरीके से बीच से पकड़ेंगे 1/2 इंच पहले, और वहीं पे बीच में इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और दोनों किनारे पर सिलाई चला देंगे। उसी प्रकार इसको भी कर लूँगी। यहाँ से बीच से पकड़ के वहीं पे फोल्ड करेंगे और दोनों किनारे पे सिलाई कर देंगे। उसके बाद हम इसको सीधा कर देंगे इस तरीके से। सीधा करने के बाद मैंने इसको इस तरीके से प्रेस से इसको बैठा लिया है। आप प्रेस नहीं भी करेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद फिर नीचे के साइड में इसको इस प्रकार रखेंगे तिरछा, और यहाँ पे सुई की मदद से बीच से हम इसको इस प्रकार सिल के यहाँ पे बांध देंगे। तो इस तरीके से ये एक छोटा सा बो तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो सिंपल तरीक़ा से भी बो बना के अटैच कर सकते हैं। अब हम इसको यहाँ पे अटैच करेंगे। तो उसके पहले अगर आप चाहें तो इस तरीके से पतला पट्टी यहाँ पे अटैच करके यहाँ पे बांध के, और बाद में आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसी डोरी से इस तरीके से बांध दूँगी। यहाँ इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और पीछे से इस डोरी को ऐसे लाएँगे और इसमें इस तरीके से फंसा के ये ऊपर की तरफ हम खींच देंगे तो यहाँ पर ये अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से खींचने के बाद आप यहाँ पे सुई से बांध भी सकते हैं, और नहीं भी बांधेंगे तो ये इस तरीके से भी नहीं खुलता है। तो यहाँ पे ये दोनों मैंने लटकन तैयार कर लिया है। तो ये लटकन का डिज़ाइन से आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।